तरफ जम्मू कश्मीर में भारतीय आर्मी पर आतंकी हमले होते हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ता है। जी हाँ, हाल ही में ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ कश्मीरी युवक भीड़ में सीआरपीएफ के जवानों को लात मारते हुए दिख रहे हैं। आप भी देखिए, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जवान मार्च कर रहे हैं, तभी कुछ युवक वहां से गुजर रहे हैं और उनमें एक युवक जवान को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन जवान फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। पीएफ ने अपने दिए बयान में कहा कि वीडियो हाल ही में हुए उपचुनाव का है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस समय जवान ईवीएम की सुरक्षा कर रहे थे और उनके लिए ईवीएम को सेफ रखना जरूरी था, ना कि युवक को जवाब देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कानपुर में चाइल्ड लाइन ने थाना चकेरी के रामदेवी इलाके में नाबालिग बच्चों से जबरन काम करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि गरीब छोटे बच्चों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम करवाया जा रहा था, जिसे लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों ने करीब 2 दर्जन बच्चों को दुकानों, होटलों और अन्य स्थानों से काम करते हुए पकड़ा और सभी को थाने ले आए। वहीं पुलिस का कहना है कि बच्चों की सेहत कैसी है, इसके लिए उनका मेडिकल करवाकर बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। साथ से काम करवाने वाले दुकान और होटल मालिकों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन वहां अचानक से भगदड़ होने से कई लोग घायल हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जनता दरबार के जरिए लोगों की परेशानियों को सुनते हैं। आपको बता दें कि भगदड़ में उस वक्त मची जब फरियादी कतार में लगकर सीएम आवास के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक भगदड़ मचने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अफरा तफरी के माहौल में लोग इधर उधर भागने लगे। मिली जानकारी के अनुसार जनता दरबार में बढ़ती फरियादों की भीड़ भगदड़ का मुख्य कारण है। बढ़ती भीड़ को काबू में रखना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।